के 21 विधायकों के भविष्य पर अब सरकार ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था, उनकी सदस्यता खतरे में पड़ती दिख रही है। राष्ट्रपति ने संसदीय सचिव को लाभ के पद के दायरे से हटाने वाला विधेयक नामंजूर कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने इस बिल को विधानसभा में पास किया था। बिल खारिज होने से आपके 21 विधायकों की सदस्यता पर अब तलवार लटक गई है। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। राष्ट्रपति ने संसदीय सचिव बिल खारिज किया। 21 आप विधायकों की सदस्यता खतरे में। केजरीवाल की सरकार के लिए आने वाला वक्त मुश्किल भरा हो सकता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली विधानसभा में पास उस बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया है, जिसमें संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त 21 आप विधायकों को लाभ के पद से बचाने के लिए ये बिल लेकर आई थी। यही नहीं, विधायकों को बचाने के लिए नए कानून को पिछले तारीख से लागू करने की भी कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी। विपक्ष ने बिल खारिज होने को दिल्ली सरकार की नैतिक हार बताते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल से तुरंत इस्तीफे की मांग की है। जो प्रोविजन है एक्ट का, उसमें 70 MLA में 10% ही मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से इन्होंने 7 की जगह 28 लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत जो है वो दिलवाई, 7 मिनिस्टर और 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। और मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी को रिजाइन कर देना चाहिए। लगातार केजरीवाल सरकार इस बारे में झूठ बोल रही थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, और दूसरा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से इन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया है, जबकि RTI से भी स्पष्ट हो गया था कि इनके पास कार और ऑफिस इन सबको ये फैसिलिटीज दी गई थी और इनको लाभ पहुंचाया गया था। तो मैं समझता हूं नैतिकता के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ना केवल ये प्रोसीजर के हिसाब से गलत था, कानूनन गलत था, बल्कि साथ साथ नैतिकता के आधार पर भी गलत है। कैसे 21 विधायकों को मंत्री तुल्य सुविधाएं, मंत्री जैसे सुविधाएं देने के लिए इस बिल को जिस पार्टी का ने अपना नाम आम आदमी की पार्टी रखा हुआ है वो पास कर रही थी, तो यह बिल तो रिजेक्ट होना ही था। बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से संसदीय सचिव बने आपके 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। अगर सदस्यता रद्द होती है तो 21 विधानसभा क्षेत्रों में 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराना होगा। इसीलिए इससे केजरीवाल सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नैतिक रूप से सरकार की काफी किरकिरी होगी। हालांकि विधायकों को फौरी तौर पर किसी तरह के खतरे की बात नहीं है, क्योंकि लाभ के पद के आधार पर सदस्यता रद्द करने के बारे में निर्वाचन आयोग फैसला लेकर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजेगा। केजरीवाल के आदेश की वैधानिकता को हाईकोर्ट में पहले ही चुनौती दी जा चुकी है, इसीलिए निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने तक कोई सिफारिश नहीं करेगा। आप नेता राघव चड्ढा ने बिल नामंजूर होने के बाद विधायकों की सदस्यता जाने के खतरे को खारिज किया है। 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, ना ये किसी प्रकार की पगार ले रहे हैं, कोई आमदनी ले रहे हैं, पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, कोई गाड़ी बंगला नहीं ले रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ दिल्ली सरकार या दिल्ली विधानसभा से नहीं मिल रहा है। जो 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट हुई उसका इस बिल से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उन 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट इस बिल के हिसाब से या इस बिल के तहत थोड़ी हुई, क्योंकि ये बिल तो अभी कानून ही नहीं बना। उधर केजरीवाल ने बिल खारिज होने पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है, मोदी जी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, डरते हैं तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल सरकार ने अपने विधायकों को खुश करने के लिए उन्हें संसदीय सचिव बनाकर ऑफिस और तमाम तरह की सुविधाएं दी, लेकिन जब लगा कि इससे विधायकों का पद भी खतरे में पड़ सकता है तो विधानसभा से उन्हें बचाने के लिए नया कानून पास करवा दिया। लेकिन राष्ट्रपति ने इस बिल को वापस कर केजरीवाल की मुश्किल बढ़ा दी है, और यही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खींच की असली वजह बनी है। कुमार कुंदन, इंडिया TV, दिल्ली।